हेलो गाइस, आप देख रहे हैं VMK टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एंटी स्लिप एंड व्हीकल एक्सीडेंट कंट्रोल सिस्टम को। तो हम इस सिस्टम को कैसे बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक आर्डिनो UNO बोर्ड ले लेते हैं और फिर इसके बाद हम एक 5V 1-चैनल रिले किट ले लेते हैं। इसमें 3 पिन होती हैं, VCC, ग्राउंड एंड इनपुट पिन। फिर इसके बाद हम एक आई ब्लिंक सेंसर लेते हैं, ये ग्लास के साथ आता है और इसमें भी 3 पिन होती हैं, VCC, ग्राउंड एंड इनपुट पिन। और फिर इसके बाद हम एक 4V की चार्जेबल बैटरी ले लेते हैं और फिर इसके बाद हम एक DC मोटर ले लेते हैं। इसमें हमने व्हील को कनेक्ट कर लिया और इसके बाद हम एक 9V बैटरी और एक स्विच ले लेते हैं। अब हम इन सभी कंपोनेंट को इस सर्किट को देखकर कनेक्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले रिले और आर्डिनो के बीच कनेक्शन करेंगे। तो हम रिले की VCC को हम आर्डिनो की 3.3 वोल्ट पिन में कनेक्ट कर देंगे और रिले की ग्राउंड को आर्डिनो के ग्राउंड से और रिले की इनपुट पिन को हम आर्डिनो के पिन नंबर 7 से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम 9V बैटरी से एक पावर जैक को कनेक्ट करेंगे और एक स्विच को और एक बैटरी कैप को, जिससे कि हम आर्डिनो में पावर सप्लाई दे पाएँ इस 9V बैटरी से। तो हम इस तरीके से इन्हें कनेक्ट करेंगे। तो हमने सबसे पहले स्विच से एक बैटरी कैप के एक वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब स्विच का एक वायर और बैटरी के एक वायर को हम पावर जैक के दोनों वायर से अलग अलग कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमने पावर जैक में कनेक्शन कर दिए हैं। अब इसके बाद हम पावर जैक को आर्डिनो से कनेक्ट करेंगे और स्विच को ऑन करेंगे। तो हमारी पावर ऑन हो गई है, तो ये सही से काम कर रहा है। अब इसके बाद हम इस PVC पाइप को यहाँ पे चिपका देते हैं ग्लू की मदद से और इस मोटर को भी हम इसी पर चिपका देंगे। अब इसके बाद हम एक 4V की चार्जेबल बैटरी और एक स्विच लेते हैं और अब हम रिले के आउटपुट में कनेक्शन करेंगे। तो हम बैटरी के एक वायर को रिले की कॉमन पिन से कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी का जो दूसरा वायर है उसे हम मोटर के एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हम एक स्विच लेते हैं और स्विच के एक वायर को हम रिले की आउटपुट में नॉर्मली क्लोज्ड पिन में कनेक्ट कर देते हैं और फिर इसके बाद स्विच के दूसरे वायर को हम मोटर के एक और बचे हुए वायर में कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से रिले के आउटपुट में भी कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद हम इस बड़े से व्हील को हम इस छोटे व्हील से ग्लू गन की मदद से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हम जब टेस्टिंग करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम अभी इसको निकाल कर रख देते हैं। तो अभी हम आई ब्लिंक सेंसर और आर्डिनो के कनेक्शन करेंगे, तो वो देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले एक जम्पर वायर को VCC और एक को ग्राउंड और एक को इनपुट पिन में कनेक्ट कर देते हैं आई ब्लिंक सेंसर के। तो हम आई ब्लिंक सेंसर की 5V पिन को हम आर्डिनो की 5V में और ग्राउंड को आर्डिनो के ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे और फिर हम आई ब्लिंक सेंसर की जो इनपुट पिन होगी उसे हम आर्डिनो की पिन नंबर 10 से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे आई ब्लिंक सेंसर के भी कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद हम इस बजर के कनेक्शन भी आर्डिनो बोर्ड से करेंगे। तो हम बजर की पॉजिटिव पिन को हम आर्डिनो की 13 नंबर पिन में और ग्राउंड को आर्डिनो के ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे बजर के कनेक्शन भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा सारा सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब हम इस प्रोजेक्ट की टेस्टिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले इस व्हील को हम इस मोटर से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हम ग्लास को लगा लेते हैं। तो हम जैसे अपने आईलेट्स को नीचे करते हैं तो ये बजर ऑन हो जाता है और हमारी रिले जो मोटर से कनेक्ट है, अभी हम मोटर को ऑन कर देते हैं। तो देखिए अब कैसे हम अपनी जैसे ही अपनी आईलेट्स को नीचे करेंगे तो पहले बजर ऑन होगा, फिर उसके बाद हमारी मोटर ऑफ हो जाएगी, यानी व्हील ऑफ हो जाएगा। जो भी व्हीकल में व्हील लगे होंगे वो स्टॉप हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।